भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों और हमीदिया अस्पताल के नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किया। नर्सों की मांग थी कि अस्पताल अधीक्षक दीपक मरावी को जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि वो महिला कर्मचारियों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रदर्शन के दौरान नर्सों ने अधीक्षक हटाओ, हमीदिया बचाओ के नारे भी लगाए। भोपाल में कांग्रेस ने राज्य भर में बढ़े बिजली के दाम को वापस लिए जाने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी भी की। बिजली की बढ़ी हुई कीमत के साथ साथ कांग्रेस ने किसानों के बिजली बिल की माफी की मांग भी की है। मध्य प्रदेश के सिद्धी में एक बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज शहर के जिला अस्पताल में चल रहा है। विदिशा में राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मैच के दौरान इंदौर और ग्वालियर की टीमें आपस में भिड़ गई। मैच के रोमांचक मोड़ पर दोनों टीमों में कुछ अनबन हुई और लड़कियां एक दूसरे पर लात घूंसे चलाने लगी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। देवास पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सज्जन सिंह वर्मा ने गौरक्षा और राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशुधन घोषित किए जाने से ही देश में माहौल सुधरेगा। साथ ही सज्जन सिंह ने यह भी कहा कि राम मंदिर निर्माण का कानूनी हल कांग्रेस ही निकाल पाएगी। विदिशा जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आग से अस्पताल में भर्ती मरीजों के सामान जलकर खाक हो गए। फिलहाल मरीजों को भी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। राजस्थान के कोटपुतली में एक चाय बेचने वाले ने अपनी 6 बेटियों की शादी में दहेज के नाम पर 1,51,000 रुपए विदाई में दिए। इतनी बड़ी रकम के लेन देन का वीडियो वायरल हो गया है। पंचों की मौजूदगी में दहेज की रकम विदाई के दौरान दी गई। कहा जा रहा है कि 6 लड़कियों में 2 लड़कियां ही बालिग थी। गांव के लोग इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सभी जानना चाहते हैं कि फैक्ट्री के अंदर। राजस्थान के चोमू में एक माँ अपनी नवजात बच्ची को जंगल में छोड़कर भाग गई। हालांकि सूचना पाकर पुलिस की टीम वहां पहुंची और बच्ची की जान बचाई। रात के अंधेरे में कुछ लोग इस बच्ची को दफनाने की कोशिश कर रहे थे। बहुचर्चित भवरी देवी हत्या केस में जोधपुर कोर्ट में भवरी देवी के बेटे साहिल ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साहिल ने कोर्ट को बताया कि वारदात के दिन भवरी देवी सोहनलाल बिश्नोई के साथ गई थी और फिर लौटकर वापस नहीं आई थी। कोर्ट में सीबीआई के वकील के सामने साहिल ने अपना बयान दर्ज कराया कि जब वो जोधपुर में पढ़ता था तब उसकी माँ भवरी ने उसे मोबाइल फोन दिया था जिसमें मलखान सिंह के फोटो थे। अलवर के रेणी में मधुमक्खियों के हमले में एक ही परिवार के 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में महिला पुरुषों के साथ छोटे बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज रेणी अस्पताल में चल रहा है। एक साथ इतने मरीजों के लिए अस्पताल में बेड भी कम पड़ गए, जिसकी वजह से अस्पताल ने 2 मरीजों के इलाज से इनकार कर दिया।